नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हमें खबर मिली कि नेपाल के 10 स्टूडेंट की डेथ हो गई। कारण था हमास की तरफ से एक रॉकेट अटैक जो कि इजराइल में हुआ और जहां पर 10 नेपाली स्टूडेंट मौजूद थे उनकी डेथ हो गई। साथ साथ अभी तक की जो 17 नेपाली हैं जिनको बंदी बनाया गया था वो भी हमास के पास अभी तक की बंदी बने हुए हैं। और इन हमास ग्रुप ने बड़ी चालाकी से इन सभी बंदियों को टनल्स के अंदर रखा है, यानी कि नीचे बनी खुफिया टनल्स में रखा है जहां पर ये हमास के आतंकी भी मौजूद है, क्योंकि इनको पता है कि इजराइल ऊपर से हवाई हमले करके इनको मार सकता है और इनका यही प्लान था। साथ साथ हमास का ये भी कहना है कि इजराइल जितने बम गिराएगा फिलिस्तीनियों के ऊपर उतने ही बंदियों को वो मौत के घाट उतारता जाएगा। और हमास ने कहा कि हम इसके लाइव फुटेज भी जारी करेंगे। तो ये युद्ध कहीं ना कहीं इंसेंट्स की जान के पीछे पड़ चुका है और ये जो रवैया हमास का है इसको लेकर पूरी दुनिया कंडम कर रही है। और ये हमास ग्रुप के पास 17 नेपाली गोरखा भी बंदी बने हुए हैं। इनकी फुटेज और तस्वीर भी एक निकल के आई है जहां पर इनको बंदी बने देखा जा सकता है, साथ ही साथ जो हमास के आतंकी है उनके ऊपर गन्स ताने। लेकिन फिर भी बहादुरी का परिचय देते हुए उनके माथे पर शिकन नहीं दिख रही है, वो डर वो भय नहीं दिख रहा है। हालांकि इनके ऊपर बंदूक तनी हुई है, सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है, फिर भी वो खौफ नहीं दिख रहा है जो हमास चाहता है कि इन लोगों के आंखों में हो। क्योंकि इन हमास के आतंकियों को नहीं पता कि डर और गोरखा दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। लेकिन इस सिचुएशन में वो नेपाली वर्कर्स कुछ कर भी नहीं सकते। हमास ने काफी स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग की है जिसके चलते वो सभी लोग टनल्स के अंदर हैं, जिसके चलते इसराइल जो बमबारी कर रहा है उसमें हमास के लोग मर ही नहीं रहे। हाल ही में खबर ये भी आई कि बहुत सारे नेपाली ग्रुप्स इस समय इसराइल में और वो लगातार नेपाल की गवर्नमेंट से मदद की गुहार भी कर रहे हैं। लेकिन उनकी अपील सुन ली गई 12 अक्टूबर को। नेपाल ने 12 अक्टूबर को इसराइल के लिए एक विमान रवाना किया जिसमें 253 नेपाली लोगों को इसराइल से वापस लाया गया। हालांकि अभी भी काफी सारे नेपाली वहां पर फंसे हुए हैं जिनको अभी भी निकालना बाकी है। और हम आगे जानेंगे कि नेपाली सरकार इनके लिए क्या कर रही है और कितने नेपाली वहां पर फंसे हुए हैं। साथ ही ये भी जानेंगे क्या नेपाली गोरखास को नेपाल भेजने की सोच रहा है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए या फिर किसी और चीज़ों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी नेपाली गोरखास के सैनिक बहुत सारे देश में सर्विस देते हैं और उस आसपास के एरिया में यूएन के साथ कई जगह पर नेपाली सैनिक मौजूद है, जैसे कि लेबनन में भी नेपाली सैनिक मौजूद हैं। साथ ही जानेंगे कि इसराइल जो टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, साथ साथ मोसाद जो कि इसराइल की खुफिया एजेंसी है, दुनिया की नंबर 1 सीक्रेट एजेंसी है, उससे कैसे चूक हो गई और इतना बड़ा अटैक इसराइल के ऊपर हुआ, वो भी हम आगे जानेंगे। दोस्तों, कौन है हमास, इसराइल पर उसने अटैक क्यों किया, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है और इस अटैक को कैसे प्लान किया गया, इसको लेकर मैंने पहले ही एक वीडियो रिलीज किया जिसका लिंक ऊपर आई बटन में, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं, साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो उसको पहले वॉच कर लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर सिचुएशन है क्या। तो आप जानते हैं कि इसराइल से चूक कहां पर हुई और इसराइल अभी क्या कर रहा है लोगों के लिए। दोस्तों, हमास आतंकी ग्रुप इसराइल के ऊपर काफी पहले से अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था और इसके लिए उन्होंने 3D स्ट्रेटजी लगाई जिसमें था टेस्ट, टाइम और ट्रिपल एक्शन। और इसी स्ट्रेटजी के चलते वो कहीं ना कहीं सफल हुए इस अटैक को पूरा करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने टेस्ट किया इसराइल के ऊपर। दोस्तों, इसराइल के ऊपर आमतौर पर छोटे मोटे रॉकेट्स के अटैक होते ही रहते हैं, जिसके लिए इसराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ऑटोमेट कर रखा है कि वहां पर इसराइल पूरी तरीके से ऑटोमेट करके टैकल कर लेता है। तो इसराइल कहीं ना कहीं संतुष्ट रहता है अपनी टेक्नोलॉजी से और इसके लिए उनका आयरन डोम डिफेंस सिस्टम काम करता है और ये सिस्टम दुनिया के सबसे अच्छे डिफेंस सिस्टम में से एक है। पर इसराइल को नहीं पता था कि इन हमास ग्रुप द्वारा उसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है। 2021 में ही गाजा स्ट्रिप से हमास द्वारा 5 मिनट में करीबन 150 रॉकेट फायर किए जाते हैं जिसको इसराइल का डिफेंस सिस्टम काफी अच्छे से टैकल करता है और करीबन 90% रॉकेट्स को हवा में ही मार के गिरा देता है। लेकिन हमास यहाँ पर टेस्ट कर रहा था कि 5 मिनट में अगर हम 150 रॉकेट डालते हैं तो करीबन 90% रॉकेट्स तो उसके बेकार हो जाते हैं लेकिन 10% रॉकेट गिरते जरूर हैं जमीन पर। तो यहाँ पर हमास ने कैलकुलेशन की कि अगर हम 500 की जगह 5000 रॉकेट कर देते हैं तो 10% रॉकेट अगर जमीन पर गिरते भी हैं तो करीबन 500 रॉकेट्स हैं अगर वो इसराइल में गिरते हैं तो तबाही मचेगी ही। और ऐसा ही हुआ, हमास की कैलकुलेशन सही बैठी। साथ ही एक और चीज़ थी, गाजा स्ट्रिप को इसराइल ने थोड़ा हल्के में भी लिया था क्योंकि ये एक छोटा सा लैंड था, छोटी सी स्ट्रिप थी जिसके चलते यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था इसराइल। ऐसा जो वेस्टर्न बैंक का एरिया था वहाँ पर ज़्यादा फिलिस्तीनी रहते थे और वहाँ पर ज़्यादा लोग होने की वजह से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती थी जिसके चलते जो ज़्यादा ध्यान था इसराइल का वो वेस्टर्न बैंक वाले एरिया पर था और इसी का फ़ायदा इन हमास ग्रुप ने निकाला। हमास का इस चीज़ को करने के पीछे एक रीज़न भी था क्योंकि हमास चाहता था कि वो फिलिस्तीनियों के लीडर के फॉर्म में सामने आए। वेस्टर्न बैंक में बहुत सारे फिलिस्तीनी रहते थे और वो वहाँ के अपने लीडर से बहुत सेटिस्फाई नहीं थे क्योंकि वो लोग इसराइल के खिलाफ कुछ करते नहीं थे। तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान खींचने के लिए और उनका सपोर्ट लेने के लिए
जिसे वो एज अ लीडर साबित हो फिलिस्तीनियों के, क्योंकि उसने बहुत सारे अटैक करके इसराइल को परेशान किया। सेकंड स्ट्रेटजी जो हमास की थी वो थी टाइमिंग। तो इस समय हमास को एक परफेक्ट टाइम मिल गया था इसराइल पर अटैक करने का, और इसका रीजन ये था क्योंकि अभी से कुछ महीना पहले जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक रूल लाया जिसके चलते उन्होंने कोर्ट्स की पावर को अपने अंडर में कर लिया था, यानी कि पीएम कैन ओवर रूल दी कोर्ट्स, जिसके चलते जो जनता थी इसराइल की वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उतर गई थी। तो कहीं ना कहीं जो इसराइली लोग थे उनमें काफी निराशा थी बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर, यानी कि वहां के प्राइम मिनिस्टर को लेकर। कई प्रोटेस्ट चलते रहे और इस चीज का फायदा हमास ग्रुप्स ने उठाया, क्योंकि यहां पर इंटरनल मैटर्स में इसराइल काफी ज्यादा बिजी हो चुका था, और इसीलिए हमास को पूरी प्लानिंग करने का समय मिल गया। और जो तीसरा कारण था इस अटैक के सक्सेसफुल होने का, वो था ट्रिपल एक्शन अटैक, क्योंकि इसराइल पर जो अटैक किया हमास ने वो फुल प्लान था और तीन तरफ से ये हमला किया गया, जो कि था स्काई, वाटर और ग्राउंड। जो सबसे पहले हमास ने 5000 से भी ज्यादा रॉकेट्स फायर किए, जिसमें से 500 रॉकेट कहीं ना कहीं इसराइल के ऊपर गिरे, जिससे हड़बड़ी मच चुकी थी। स्काई अटैक में रॉकेट्स के साथ साथ इन लोगों ने पैराग्लाइडर्स का भी इस्तेमाल किया, जिसमें इन आतंकियों ने पैराग्लाइडर का इस्तेमाल किया बम बंदूक लिए और आसमान में निकल पड़े। इन्होंने अपने पैराग्लाइडर के पीछे एक मोटर का इस्तेमाल भी किया, जिससे इनको पूरा कंट्रोल मिल रहा था और इसराइल की तरफ जाने के लिए पूरा थ्रस्ट भी मिल रहा था। इसके अलावा जो पैराग्लाइडर्स पर आतंकी थे उन्होंने इसराइल के डिफेंस सिस्टम को भी अटैक करना शुरू किया। कई वीडियो फुटेज निकल के आई कि पैराग्लाइडर से ये लोग इसराइल के डिफेंस सिस्टम पर बॉम्ब फेंकते भी नजर आए। ये डिफेंस सिस्टम कैपेबल होते हैं उड़ती हुई और आती हुई मिसाइल को टारगेट करने के लिए और उनको टैकल करने के लिए, पर यहाँ पर अगर इंसान ही उड़ के आ रहा है तो ये डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, जिसके चलते इन्होंने डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट किया। और उसके तुरंत बाद उन लोगों ने बॉर्डर फेंसिंग को तोड़ना शुरू किया, जहाँ पर क्रेन्स और जेसीबी का यूज करके उन्होंने बॉर्डर फेंसिंग तोड़ी। इसके अलावा गाजा स्ट्रिप और इसराइल समुद्र को भी साझा करता है, जिसके चलते गाजा स्ट्रिप से घूमकर इसराइल के वाटर से इन लोगों ने अटैक भी किया। तो यहाँ पर तीन तरफ से अटैक हुआ और तीनों तरफ से ये सक्सेसफुल अटैक हुआ। तो यहाँ पर हमास इसराइल को लेकर करंट सिचुएशन क्या है और जो बंदी है उनको लेकर भी करंट सिचुएशन क्या है। दोस्तों, इसराइल के पीएम ने इसको वॉर घोषित कर दिया और ये भी कहा है कि हमने वॉर शुरू नहीं की थी लेकिन हम इसको एंड जरूर करेंगे। तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि अब गाजा स्ट्रिप पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसराइल ख़त्म करने वाला है, और यहाँ पर हमासियों का पूरी तरीके से सफाया करने के बाद ही अब इसराइल चुप बैठेगा। और इसीलिए कई सारी बमबारी देखी गई जो कि हमास के ठिकानों पर की गई इसराइल द्वारा। अब तक आंकड़े बताते हैं 1400 से लेकर 1500 के बीच में डेथ हो चुकी है टोटल, और ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और बढ़ेंगे भी। साथ ही आपको बता दें कि हमास के जो आतंकी थे जो इसराइल में दाखिल हुए थे उसमें से कई सारे आतंकी अभी भी इसराइल में मौजूद है और इसराइल की आर्मी उनको टैकल करने में अभी भी लगी हुई है, क्योंकि ये छिपके बैठे हैं। यानी कि इसराइल के अंदर भी अभी प्रॉब्लम हो रही है और इसराइल बाहर भी अटैक कर रहा है इन हमास के आतंकियों के खिलाफ, और जिनको ये लोग बंदी बना के ले गए वो अभी भी इनके साथ बंदी है। और इसको एज अ निगोशिएशन मुझे लगता है कि ये हमास वाले देख रहे हैं, क्योंकि एक बार एक सोल्जर इसराइल का हमास के पास चला गया था, उसको इन लोगों ने बंदी बना लिया था, तो उसके लिए करीबन 1000 फिलिस्तीनियों को इन लोगों ने छोड़ा था। और यहाँ पर इसराइल में करीबन 10,000 से भी ज़्यादा फिलिस्तीनी उनके जेल में बंद हैं, तो कहीं ना कहीं उनको छुड़ाने के लिए इन सारे लोगों को बंदी बनाया गया है। और यहाँ पर सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही, क्योंकि हमास ने कहा कि जितने बम गाजा स्ट्रिप में इसराइल गिराएगा उतने बंदियों की जान जाती जाएगी। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन करंटली अभी चल रही है इसराइल में। अब वहाँ पर कितने नेपाली फंसे हुए हैं? दोस्तों, इसराइल और नेपाल के संबंध पहले से काफ़ी अच्छे रहे और इसीलिए दोनों के बीच में काफ़ी लोग आते जाते भी रहते हैं। कई सारे नेपाली स्टूडेंट, नेपाली वर्कर्स वहाँ पर रहते हैं। टोटल नंबर्स की बात करें तो 265 नेपाली स्टूडेंट इसराइल में इस समय थे, साथ ही साथ 450 नेपाली वर्कर्स भी इसराइल में काम कर रहे थे। तो करीबन 715 नेपाली इसराइल में हैं, और इसमें से करीबन 324 लोगों ने नेपाल की गवर्नमेंट से रेस्क्यू करने के लिए आग्रह किया है, जिसमें 253 नेपाली लोगों को इसराइल से वापस लाया गया। और ये लोग नेपाल से वापस आ चुके हैं 13 तारीख को, यानी आज ही, और इनके परिवार वाले एयरपोर्ट पर इनसे मिले और काफी इमोशनल हो गए। हालांकि अभी भी काफी सारे नेपाली वहां पर फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग यहां पर गाजा स्ट्रिप के आसपास ही रहते थे और वहां पर ही काम करते थे, जिसके चलते बहुत सारे नेपाली इससे अफेक्टेड हुए हैं। लेकिन फिर भी विदेशियों में सबसे ज्यादा नेपाली ही अफेक्टेड है, क्योंकि ऑलरेडी 10 नेपाली स्टूडेंट की जान जा चुकी है और 17 अभी भी हमास के पास है, यानी कि 27 नेपाली करीबन अभी अफेक्टेड हैं इस हमले से। तो वही देखा जाए तो यूएस के 11 नागरिक मरे हैं, साथ साथ थाईलैंड के 12 लोगों की डेथ हुई है, यूक्रेन के 12 लोगों की डेथ हुई है। तो अब ये भी सवाल उठता है कि यहाँ पर फिलिस्तीन गलत है या फिर इसराइल गलत है, और इसको लेकर मैंने एक पोल भी किया था चैनल पर, जहाँ पर 60% से ज़्यादा लोग
कहते हैं कि इसराइल यहाँ पर सही है और फिलिस्तीन गलत है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर फिलिस्तीन के इस अटैक को काफ़ी गलत मानते हैं और मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ कि यहाँ पर फिलिस्तीन गलत है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पर इसराइल ने फिलिस्तीनियों के साथ काफ़ी गलत किया हिस्ट्री से और यहाँ पर फिलिस्तीनी हुआ करता था, अब इसराइली लोग यहाँ पर फिलिस्तीन को आउट कर चुके हैं इस एरिया से। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये हिस्ट्री का एक पार्ट है जो धीरे धीरे होता रहा है। और यहाँ पर जो इसराइल की फॉर्मेशन हुई वो 1948 के टाइम पर हुई है और वो हिस्ट्री का एक बहुत पुराना पार्ट है जो कि बदला नहीं जा सकता है। और कई सारे देश हैं जैसे कि पाकिस्तान भी, ये उसी समय के बने हुए हैं। और ग्राउंड रियलिटी को अगर नहीं माना जाए तो यहाँ पर हर देश दूसरे देश से लड़ सकता है और ऐसे पूरी इंसानियत का नाश ही हो जाएगा। यहाँ पर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में काफ़ी गलत होता रहा हिस्ट्री से, लेकिन इसराइल ने कभी औरतों और बच्चों को इस तरीके से अटैक नहीं किया जिस तरीके से फिलिस्तीन के इन बुजदिल आतंकियों ने किया। इनके टारगेट ही थे महिलाएं और बच्चे। इन्होंने कई जगह से महिलाओं को उठाया, हस्बैंड के सामने उनकी वाइफ को बंदूक की नोक पे लेके गए, उनके बच्चों को लेके गए, म्यूजिक कॉन्सर्ट से महिलाओं को उठाया और बंदूक तानते हुए उनको लेके गए, उन महिलाओं के साथ अभद्रता की है। साथ साथ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि कुछ महिलाओं के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया, किसी किसी को नंगा करके इन्होंने रोड पर गाड़ियों में घुमाया भी है। तो इतनी नीचता करने पर अगर हमास आतुर है तो कहीं ना कहीं इनका अंत बहुत नज़दीक है। और अगर इसराइल इनका अंत करता है तो वो 100% सही होगा, क्योंकि अगर युद्ध होता तो मैन टू मैन करो और यही एक तरीका रहा है इस दुनिया में युद्ध का, किसी भी कमज़ोर को चुपके से पकड़ के और उसको मौत के घाट उतार दो। ये तो बहुत बड़ी कायरता है। माना ये कई फिलिस्तीनियों ने अपना लैंड खोया है, लेकिन वेस्टर्न बैंक पर भी फिलिस्तीन रहते हैं, उनके पास भी एक लैंड है, उसको अपने आप को वो डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, अपने आप को टेक्नोलॉजी में डेवलप कर सकते हैं। लेकिन उन सब पर बुद्धि लगाने की जगह इन लोगों ने आतंक को चुना कि आतंक के जरिए हम इसराइल को हरा देंगे। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं, और आज फिलिस्तीन है या नहीं है, लेकिन आने वाले समय में शायद फिलिस्तीन नहीं बचेगा, क्योंकि इसराइल इतना मजबूत है, एजुकेटेड है और अपनी टेक्नोलॉजी में इतना इन्वेस्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं इन आतंकियों को ख़त्म कर ही देगा। अगर फिलिस्तीन के लोग और फिलिस्तीन के लीडर थे वो अपने आप को मजबूत करते, एजुकेट करते, अपने लोगों के लिए काम करते तो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन भी आगे शायद निकल के आता और इसराइल से मुकाबला कर सकता था, टक्कर ले सकता था। लेकिन उन्होंने एक गलत राह चुनी है जो कि आतंक के जरिए करने की है, और मुझे लगता है वो चीज़ इनको पतन की तरफ ही ले जाएगी, इनका एंड करके ही मानेगी। और ऐसा इसराइल कर रहा है, और इस बार इसराइल शायद इस हमास ग्रुप का पूरा अंत कर ही देगा इस गाजा स्ट्रिप से, और इसके समर्थन में पूरी दुनिया इसराइल के साथ है, क्योंकि जिस तरीके की हरकत हमास ने की है उससे बहुत सारे देश इस चीज़ से सहमति रखते हैं। तो यही थी पूरी सिचुएशन जो कि हमास, इसराइल और नेपाल के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपकी क्या है राय, सजेशंस नेपाल गवर्नमेंट को, इन नेपालियों को कैसे सेव किया जाए, और इस सिचुएशन को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट जरूर पढ़ता हूं और मैं आपकी राय जरूर जानना चाहता हूं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और ऐसी ऑल लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए एना न्यूज़। विश शिवम।